वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी एंड टाटा टियागो ईवी लॉन्ग रेंज के बीच में। हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में इन डिटेल कंपैरिजन करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑल अदर माइनर डिटेल्स। सो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल्स स्किप ना कर पाओ। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। That will help you to buy right car according to your needs। So यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। So अगर हम इन दोनों गाड़ियों के प्राइस के बारे में बात करें, मैं टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करूँ, ईवी मैक्स की नहीं। टाटा नेक्सॉन ईवी का प्राइस 14.99 लाख से 17.50 लाख तक जाता है एक्स शोरूम। ऑन द अदर साइड टाटा टियागो ईवी का प्राइस 8.49 लाख से एंड 11.79 लाख तक जाता है। मैं टाटा टियागो ईवी लॉन्ग रेंज की बात करूँगा मैं आज। सो अगर इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की बात करें, आपको टाटा टियागो ईवी में 3769 mm की लेंथ देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड टाटा नेक्सॉन ईवी में आपको 3993 mm की। सो यहाँ पे विनर है टाटा नेक्सॉन। वेट था आपको टियागो में 1677 mm की देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड आपको टाटा नेक्सॉन ईवी में 1811 mm की। सो यहाँ पे विनर है टाटा नेक्सॉन ईवी। हाइट आपको टाटा टियागो में 1536 mm की देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड आपको टाटा नेक्सॉन ईवी में 1616 mm की। सो यहाँ पे विनर है टाटा नेक्सॉन ईवी। व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, टाटा टियागो में आपको 2400 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा एंड 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ऑन द अदर साइड टाटा नेक्सॉन ईवी में आपको 2498 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा एंड 205 mm की ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस। सो यहाँ पे विनर है हमारी टाटा नेक्सॉन ईवी। बूट स्पेस आपको टाटा टियागो ईवी में सिर्फ 240 लीटर्स का देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड टाटा नेक्सॉन ईवी में आपको 350 लीटर्स का ह्यूज बूट। सो यहाँ पे भी विनर है हमारी टाटा नेक्सॉन ईवी। एक्सटीरियर लुक्स की बात करें, फ्रंट में दोनों गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे विथ फॉग लाइट एंड सामने टाटा लोगो के साथ एक ग्रिल। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसको कौन सी गाड़ी पसंद आती है, दोनों गाड़ियों की फ्रंट से लुक बेटर है। साइड लुक की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको ब्लैक पिलर्स देखने को मिल जाएंगे विद बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ब्लैक ORVM। बाकी आपको टाटा नेक्सॉन में डाउन साइड में अंडर बॉडी स्कर्टिंग ब्लैक में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि टाटा नेक्सॉन एक SUV है। ऑन द अदर साइड टाटा टियागो में आपको वो बॉडी कलर ही देखने को मिलेगी। रिम साइज आपको टाटा टियागो में सिर्फ 14 इंचिस देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड आपको टाटा नेक्सॉन में 16 इंचिस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलेगी टाटा नेक्सॉन। बैक प्रोफाइल में आपको दोनों गाड़ियों में रियर वाइपर, इमरजेंसी लाइट पोजिशनिंग एंड स्पॉयलर एंड रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे डाउन साइड में। पर आपको टाटा नेक्सॉन में बैक लाइट सेमी LED देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड टाटा टियागो ईवी में आपको नॉर्मल टाटा टियागो रूफ में आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाएगा एंड उसमें सनरूफ नहीं मिलता। ऑन द अदर साइड टाटा नेक्सॉन ईवी में आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे विद सनरूफ एंड शार्क फिन एंटीना। इंटीरियर की बात करें, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ऊपर वाला आपको टाटा नेक्सॉन और नीचे वाला आपको टाटा टियागो का देखने को मिलेगा। दोनों गाड़ियों में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के फीचर्स के साथ। और अगर AC की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। पर रियर AC वेंट्स आपको सिर्फ टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलेंगे, टियागो में नहीं देखने को मिलते। सीट्स की बात करें, यहाँ पे भी विनर है टाटा नेक्सॉन, जिसमें आपको ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल रहे हैं विद फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट। ऑन द अदर साइड आपको टाटा टियागो में सिर्फ फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, बाकी उसमें आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको आगे भी एंड पीछे भी। टाटा नेक्सॉन में आपको सनरूफ, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो ईवी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, ABS CVT इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और टाटा नेक्सॉन में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल्ड होल असिस्ट जैसे फीचर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू टाटा टियागो ईवी। सो अगर हम इन दोनों गाड़ियों के बैटरीज एंड मोटर्स की बात करें, टाटा नेक्सॉन में आपको 30.2 kWh की बैटरी देखने को मिलेगी जो प्रोड्यूस करेगी 127 bhp एट द रेट 245 nm ऑफ टॉर्क। उसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो है 312 km, पर रियल लाइफ में आपको सिर्फ 250 से 300 km ही देगी या उससे भी कम। एंड टाटा टियागो ईवी लॉन्ग रेंज की बात करें, उसमें आपको 24 kWh की बैटरी देखने को मिलेगी जो प्रोड्यूस करेगी 74 bhp एट द रेट 114 nm ऑफ टॉर्क। एंड उसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो है 315 km, पर रियल लाइफ में वो भी आपको सेम टाटा नेक्सॉन की तरह ही रेंज देगी 250 km मैक्स। बाकी आपको ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है टाटा नेक्सॉन ईवी में एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो।
सो अब बात करते हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर प्राइस के बारे में बात करें, अगर आपका बजट थोड़ा कम है आप टाटा टियागो ईवी ले सकते हैं। बाकी अगर डायमेंशंस की बात करूँ वहाँ पे क्लियरली विनर है हमारी टाटा नेक्सॉन। अगर मैं स्पेस की बात करूँ वहाँ पे भी क्लियरली विनर है टाटा नेक्सॉन। एंड अगर मैं इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ वहाँ पे भी आपको ज़्यादा बैटरी देखने को मिल जाती है हमारी टाटा नेक्सॉन ईवी में। एंड उसमें पावर भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो ईवी। सो यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन का क्लियरली विनर है हमारी टाटा नेक्सॉन, जिसमें आपको इंटीरियर में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो ईवी। अगर आपका बजट अंडर 10 लाख है आप टाटा टियागो का मीडियम रेंज भी मॉडल ले सकते हैं, जिसमें आपको कम बैटरी पैक देखने को मिलता है, उसकी रेंज भी कम है और उसमें आपको इससे भी कम पावर देखने को मिलती है। एक बार आप वो भी चेक कर सकते हैं या मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी उस वेरिएंट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। एंड जाने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स।